आज सुबह सुबह खबर आई है कि और एक बार गुजरात में पंचायत डिपार्टमेंट के जूनियर क्लर्क की एग्जाम्स का पेपर लीक हो चुका है। गुजरात में पिछले कुछ साल में करीब करीब 20वां पेपर लीक हुआ। ये 156 सीटों का भाजपा का घमंड है। भाजपा की सरकार एक प्रकार से मानो स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को ये कह रही है कि हमको सत्ता पे काबिज रहना आता है, फिर एग्जाम के पेपर लीक होते रहेंगे, तुमको जो करना है कर लो। ये गुजरात के बेरोजगार युवाओं की किस्मत फूटी है। केवल एग्जाम्स का पेपर नहीं फूटा और हर एक एग्जाम्स के पेपर लीक होने के बाद एक लीपापोती के लिए फॉर्मेलिटी के तौर पे पुलिस को एक या दूसरे स्टेट में जांच के लिए भेजना, फिर किसी की गिरफ्तारी न हो, कोई इन्वेस्टिगेशन न हो, कोई चार्जशीट न हो, कोई ट्रायल न हो, किसी को जेल के पीछे भेजा ना जाए, ये जो रवैया है गुजरात की भाजपा सरकार का, इसी के कारण बार बार एग्जाम्स के पेपर लीक हो रहे। गुजरात में लाखों की तादाद में बेरोजगार युवा, कोई मामलतदार बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई क्लर्क बनना चाहता है, कोई पटवारी बनना चाहता है, लेकिन मानो भाजपा सरकार ने क्या ठान ली है, गांधीनगर और कमलब में बैठे हुए कुछ लोगों के इशारे पर यह हो रहा है। गांधीनगर के साथ, कमलब के साथ यदि आपका सेटिंग नहीं है तो आपको गुजरात में नौकरी नहीं मिलेगा, इस प्रकार का इसमें से फलित होता है। तो मैं जांच की मांग करता हूं कि एक एसआईटी का गठन हो और जो नॉन करप्ट इंटेग्रिटी वाले ऑफिसर है निलप्रीत राय जैसे, उनके द्वारा पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, वरना गुजरात के इन बेरोजगार युवाओं को कभी न्याय नहीं मिलेगा।